दस नायाब जल्द ग्रोथ करने वाली ड्यूल मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली मुर्गियां, जिसको हम लोग गोश्त और अंडों के मकासद के लिए बखूबी इस्तेमाल करते हैं, और इनकी रैंकिंग बताएंगे। इन 10 मुर्गियों में से हम आपको बताएंगे कि उनके नाम क्या है, उनके अंडे देने की सलाहियत कितनी है, उनके गोश्त कितना है, उसके अंदर गर्मी और सर्दी को जो है उसके लिए कुव्वते मदाफत कैसी है उसकी। उसके बाद हम उनके साइज़ की बात करेंगे कि यानी उनका एवरेज जो डेली बढ़ने का इफ़ी मुर्गी जो है वो साइज़ कितना है। लेकिन इससे पहले, अगर आप दोस्त चैनल पर नहीं हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। नंबर 10 पर है हमारे पास, जो रिसर्च से साबित हुई, ऑस्ट्रालोप। ऑस्ट्रालोप सालाना अंडे जो है वो 300 अंडे देती है, और इसके अंडे का वज़न 50 ग्राम होता है, और इसके मुर्गे का जो साइज़ होता है वो आपके पास 3.6 kg, यानी 3.5 kg हो जाता है। इसकी फीमेल जो है वो 2.4 kg की, और रोज़ाना जो है इसके जो अंडों की प्रोडक्शन, यानी रोज़ाना जो आपके पास अंडे हैं वो एक अंडा ये रोज़ाना तकरीबन दे सकती है, और गर्मी और इसका जो सर्दी है उसके लिए बेहतरीन कुव्वते मदाफ़त है, ठीक है। और इसके रोज़ाना जो वज़न बढ़ता है वो 2.7 के हिसाब से, ग्राम्स के हिसाब से बढ़ता है। दूसरी है जेस गेंट, वो आपके पास 290 अंडे देती है। अंडे का वज़न हमारे पास 45 ग्राम्स होता है, और इसका मेल ये हैवी में आ जाता है, इसका मेल 5.96 kg तक जाता है, और इसकी फीमेल 5 kg तक, और रोज़ाना इसकी जो ग्रोथ रेट है 2.9 है। इसके बाद है लर कैंटेकलर, जो है वो आपके पास 220 अंडे देती है, वज़न अंडे का 40 ग्राम है, इसका मेल 4.1 kg का है, यानी 4 kg से अबव होता है, और फीमेल 3 kg से अबव होती है। ये रोज़ाना जो इसके गोश्त पड़ने की शरह 2.9 है। इसके बाद है नंबर हमारे पास 7 पे प्ले माउथ। प्ले माउथ रोज़ाना इसके अंडे का वज़न 40 ग्राम है, ये सालाना जो है तकरीबन आपके पास 200 अंडे दे देती है, और इसका मेल का वज़न 4.3 kg और फीमेल का 3.4 kg, और रोज़ाना 2.5 के हिसाब से ये अंडे देती है, यानी 2.5 के हिसाब से इसका वज़न बढ़ता है। इसके बाद है देसी गोल्डन मिशनी। आपको पता है कि ये इसके अंडे का वज़न 35 से 40 ग्राम होता है, इसका मेल जो होता है वो मैक्सिमम 3 kg तक जाता है, और इसकी फीमेल जो होती है वो 2 kg तक चली जाती है, रोज़ाना इसका वज़न 2 ग्राम्स बढ़ता है। इसके बाद है ब्रामा में हमारे पास 40 ग्राम्स इसके अंडे का वज़न होता है, ब्रामा भी 200 के करीब अंडे देती है मैक्सिमम सालाना, मेल इसका 5.4 का होता है, फीमेल 4.3 kg, रोज़ाना वज़न इसका 4 से 5 ग्राम बढ़ता है। इसके बाद है दिलावर, ये आपके पास इसके अंडे का वज़न 30 ग्राम होता है, ये 150 अंडे देती है, और मेल का वज़न 3.8 ग्राम्स, फीमेल का वज़न 2.9 ग्राम्स, और रोज़ाना ये 3 ग्राम्स बढ़ती है। इसके बाद है नॉर्थ हॉलैंड ब्लू, ये हमारे पास जो है, या आप लोग इसकी जगह पे RIR कह सकते हैं, इसका जो 30 ग्राम ये 35 ग्राम इसके अंडे का वज़न होता है, इसका वज़न 4 kg मेल और 3.5 kg तक फीमेल जाती है, और रोज़ाना 3 ग्राम्स इसका वज़न बढ़ता है। इसके बाद लोमन ब्राउन की बात कर लें, लोमन ब्राउन सबसे अच्छी ब्रीड है, इसका मेल जो है वो तकरीबन 5.4 ग्राम्स तक जाता है, और फीमेल जो होती है वो 4.5 यानी 5 ग्राम 6 ग्राम तक चला जाता है मेल, और 4.5 किलो तक जो है इसकी फीमेल चली जाती है, और 55 से 60 ग्राम इसके अंडे का वज़न है, इसको अंडों की मशीन भी कहा जाता है, और ये रोज़ाना 6 से 10 ग्राम बढ़ती है। लेयर जिसको मुर्गियों की क्वीन भी कहते हैं, और इसको नंबर 1 पर रखा गया है, और ये आपके पास इसके अंडे का वज़न 55 ग्राम होता है, इसका मेल 3.1 kg होता है, और फीमेल जो है वो 2.5
5 kg, और ये रोज़ाना इसके बढ़ने की शरह 4 ग्राम होती है। लॉमन ब्राउन का भी मैंने बताया, सालाना ये सालाना अंडे आपके पास 300 दे सकते हैं। लॉमन ब्राउन सालाना 320 अंडों के साथ ये मैक्सिमम अंडों के रिकॉर्ड के ऊपर है। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच।